नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अघोषित रूप से कई घंटे विद्युत कटौती की जा रही है। इस भीषण गर्मी में जनता का हाल बेहाल है। प्रदेश में पर्याप्त बिजली उत्पादन होने के बावजूद भी बेतहाशा विद्युत कटौती के चलते भाजपा जिलाध्यक्ष के आह्वान पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक के नेतृत्व में भाजपा ने राज्यपाल महोदय के नाम SVM प्रकाश नायक को ज्ञापन सौंपा एवं चेतावनी दी कि अघोषित विद्युत कटौती बंद कर बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी विद्युत मंडल का घेराव एवं जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, सरकार में वो बैठे हैं। अगर कहीं कोई बात है तो वो जांच करा लें, मालूम पड़ जाएगा कौन ने घटिया करी थी। क्या है कि इनके पास कोई व्यवस्था बची नहीं, इनका मैनेजमेंट पूरा फेल है। ये मध्य प्रदेश की जनता को लाइट दे नहीं पा रहा है, इसलिए ये अब अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आज से पहले 15 साल लगातार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई। अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये लाइट उपलब्ध नहीं करा पा रहा है? ये सरकार का फेलियर है और नैतिकता के आधार पर कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। गंज बासुदा से ब्यूरो रिपोर्ट।